नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने संविधान हत्या दिवस की अधिसूचना में परिवर्तन किए जाने पर भारत सरकार से सवाल किया है। भारत सरकार ने 11 जुलाई 2024 को अधिसूचना जारी कर प्रत्येक वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाते हुए इमरजेंसी के दौरान सत्ता के खिलाफ संघर्ष करने वालों को श्रद्धांजलि देने की घोषणा की थी। इसके दो दिन बाद 13 जुलाई को सरकार ने एक नई अधिसूचना जारी करते हुए इन्हें श्रद्धांजलि देने की जगह सम्मान देने की बात कही। अमिताभ ठाकुर ने इस परिवर्तन पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के इतने महत्वपूर्ण प्रकरण में इस प्रकार का परिवर्तन और लापरवाही अपने आप में एक गंभीर विषय है। उन्होंने भारत सरकार से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की बात कही है। लखनऊ से हमारे संवाददाता अजय सिंह की रिपोर्ट। भारत सरकार ने 11 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना जारी कर प्रत्येक वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाते हुए इमरजेंसी के दौरान संघर्ष करने वालों को श्रद्धांजलि देने का निर्णय लिया और दो दिन बाद उसमें परिवर्तन कर एक नई अधिसूचना जारी कर इन लोगों को सम्मान देने की बात कही। जाहिर सी बात है कि इतने महत्वपूर्ण प्रकरण में इस प्रकार दो दो बार अधिसूचना निकालना और इस प्रकार का परिवर्तन किया जाना अपने आप में गंभीर प्रश्न खड़े करता है। आज़ाद अधिकार सेना भारत सरकार से यह प्रश्न करती है कि आखिर पहले श्रद्धांजलि देने और बाद में सम्मान देने के लिए अलग अलग अधिसूचना जारी करने की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।